एक बार की बात है, एक बड़े घने जंगल में एक डायन रहती थी। वह डायन बहुत ही खतरनाक थी। शाम के समय जंगल में आते जाते राहगीरों को डायन अपने जादू से पकड़ लेती है और उन्हें खिलौना बनाकर अपनी झोंपड़ी में सजाकर रखती थी। इसी तरह एक दिन जंगल में तीन बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स रीमा, सौरभ और नील अपने प्रोजेक्ट के लिए आते हैं। रीमा, तुझे और कोई जंगल नहीं मिला? ये जंगल कितना बड़ा और खतरनाक लग रहा है। अरे यार, डरपोक की तरह बातें करना कब छोड़ेगा? इस जंगल में तरह तरह के पेड़ और झाड़ियाँ पाई जाती है। प्रोजेक्ट के लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। मुझे लगता है प्रोजेक्ट बाद में, पहले तो इस जंगल में घूमना चाहिए। ये जंगल काफी रोमांचक लगता है। तभी अचानक उनके पीछे से कोई भागता है, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता। तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं। तुम लोगों ने कुछ सुना क्या? आहा, शायद कोई हमें देख रहा है। तभी रीमा को झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। उस झाड़ी के पीछे कुछ है, चलो देखते हैं। मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम लोग जाओ। इसे तो बोलना ही बेकार है, चलो रीमा। दोनों धीरे धीरे झाड़ी की ओर जाते हैं और देखते हैं कि एक हाथी का बच्चा छुपा हुआ है। ओह, ये कितना क्यूट है। डरो नहीं, बाहर आ जाओ। रीमा, बी केयरफुल। हाथी का बच्चा उनके पास आ जाता है। रीमा और सौरभ हाथी के बच्चे को प्यार करते हैं। ये देखकर नील भी आ जाता है। देखा, कोई भूत नहीं है, हाथी का बच्चा है। तभी उनके सामने एक शेर कूद पड़ता है। शेर को देखते ही हाथी का बच्चा उनके पीछे छिप जाता है और तीनों डर से कांपने लगते हैं। शेर मर गए। इसके बाद जैसे ही शेर उन पर हमला करने जाता है, तब लंबे पैरों वाला हाथी सामने आ जाता है और शेर उसे देखकर भाग जाता है। डरो नहीं, वो शेर चला गया है। लंबे पैर वाले हाथी को बोलते देख तीनों बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हाथी अपनी सूंड से उन पर पानी छिड़कता है। फिर धीरे धीरे सबको होश आ जाता है। होश में आते ही वे आपस में फुसफुसाते हैं। अरे, ये किस तरह का हाथी है? देखो इसके पैर कितने लंबे हैं। आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, ये तो बोल भी रहा है। कहीं ये कोई भूत तो नहीं है? हो गया तुम लोगों का फुसफुसाना, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं जादुई हाथी हूँ, इसीलिए मेरे पैर लंबे हैं और मैं बोल भी सकता हूँ, और ये बच्चा मेरा ही है। तो इसके पैर नॉर्मल कैसे? क्योंकि ये मेरे दोस्त का बच्चा है, दोस्त के गुजर जाने के बाद मैं ही इसकी देखभाल करता हूँ। देखो, ये जंगल रात में खतरनाक हो जाता है, इसीलिए जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। हमारा काम है और यह हमारे करियर के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए। ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद जादुई हाथी उन्हें एक जादू की कुटिया दे देता है और साथ में तीन मालाएं देता है। ये जादुई कुटिया है, जब तक इसके अंदर रहोगे तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, और ये जादुई माला है, इसे पहन लो ताकि तुम बुरी शक्तियों से सुरक्षित रहो। इसके बाद जादुई हाथी बच्चे को लेकर चला जाता है। अब हमें इन बातों पर विश्वास करना होगा, बुरी शक्तियाँ। फिलहाल काफी समय हो गया है, चलो अब रिसर्च शुरू करते हैं। रीमा और सौरभ माला को अपनी जेब में रखते हैं और नील माला पहन लेता है। फिर तीनों झाड़ियों और पेड़ों पर रिसर्च करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद नील एक राक्षस को घायल अवस्था में देखता है। अरे जल्दी इधर आओ। अरे अब क्या हुआ? आ रहा हूँ। नील की आवाज सुनकर रीमा और सौरभ भी आ जाते हैं। अरे इस बेचारे को तो बहुत चोट लगी है, मैं अभी मेडिकल किट लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में रीमा मेडिकल किट लेकर आती है और उसमें से इंजेक्शन निकालकर राक्षस को लगा देती है। उसके कुछ देर बाद राक्षस को होश आ जाता है। अब कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ, पर तुम घायल कैसे हुए? बाइक रेस में हिस्सा लेने के लिए मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था, तभी बैलेंस बिगड़ने से मैं गिर गया और फिर बेहोश हो गया। क्या, लेकिन जंगल में कौन प्रैक्टिस करता है?
रेस तो जंगल में ही है ना, इसीलिए मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन मेरी बाइक कहाँ गई? सब अपने आसपास बाइक ढूंढते हैं, तब राक्षस की नजर बाइक पर जाती है। वो रही बाइक, ठीक है तो फिर मिलते हैं, और हाँ सावधान रहना। राक्षस बाइक पर बैठकर चला जाता है। यहाँ जिसे देखो वही डराता है, कोई कहता है ये जंगल रात को खतरनाक हो जाता है, तो कोई कहता है सावधान रहना। सौरभ अब चले, बहुत काम है। इसके बाद तीनों फिर से अपना काम शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और सभी लोग जादुई कुटिया में सो जाते हैं। करीब आधी रात को सौरभ की नींद टूट जाती है और उसे कुटिया के बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज है? जब तक ये आवाज बंद नहीं हो जाती मुझे नींद नहीं आएगी, जाकर देखता हूँ कौन है। सौरभ कुटिया के बाहर चला जाता है और सौरभ को जाते देख रीमा भी उसके पीछे चली जाती है। सौरभ बाहर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो कोई आवाज सुनकर आया था। तभी उनके पीछे एक काली साया आती है और दोनों को पकड़कर ले जाती है। इधर सुबह होते ही नील नींद से जागता है और देखता है कि कुटिया में कोई नहीं है। अब ये दोनों कहाँ हैं? नील कुटिया से बाहर आता है और दोनों को ढूंढता है, पर कोई नहीं मिलता है। तभी रास्ते में नील राक्षस की बाइक से टकरा जाता है और गिर जाता है। सॉरी सॉरी, कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं ठीक हूँ, पर तुम बाइक पर हमेशा क्यों रहते हो? अरे मैंने कहा था ना कि मेरी रेस है। हाँ, ये बताओ तुम भागते हुए कहाँ जा रहे थे? अब मेरे दोस्त नहीं मिल रहे हैं। क्या? इसीलिए मैंने कहा था सावधान रहना, जरूर ये उस डायन का काम है। अब ये डायन कौन है? बच्चों, इस जंगल में एक खतरनाक डायन भी रहती है जो तुम जैसे राहगीरों को पकड़ कर ले जाती है और फिर उनको पुतला बनाकर झोपड़ी में रखती है। तो अब क्या करें? मेरी बाइक पर बैठो। इसके बाद नील राक्षस के बाइक पर बैठ जाता है और राक्षस डायन की झोपड़ी की ओर जाता है। इधर डायन रीमा और सौरभ पर मिट्टी लगाती है। ये सब क्या कर रही हो तुम? प्लीज हमें जाने दो। तुम में अभी भी कितना बचपना है, यही चीज तो मुझे आकर्षित करती है। तुम दोनों डरो नहीं, मैं तुम दोनों को मूर्ति बनाकर बड़े प्यार से इस झोंपड़ी में सजा कर रखूंगी। डायन उनके पूरे शरीर पर मिट्टी लगाती है। इधर राक्षस और नील डायन की झोंपड़ी के सामने पहुंच जाते हैं। वो रही डायन की झोपड़ी, अब क्या करें? देखो उससे लड़ना आसान नहीं है क्योंकि वो जादूगरनी भी है। तभी जादुई लंबे पैरों वाला हाथी भी वहीं से पार होता है और उन दोनों को देखकर रुक जाता है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इसके बाद नील जादुई हाथी को सारी बात बताता है। ठीक है चिंता मत करो, पहले मुझे ये जानना है क्या सच में तुम्हारे दोस्त डायन के पास है? जादुई हाथी फिर अपनी आंखें बंद करता है और देखता है कि डायन ने रीमा और सौरभ को बंदी बना लिया है। वो दोनों वहीं पर हैं, लेकिन जब तक डायन घर के अंदर है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उसे किसी भी तरह बाहर निकालना होगा। ठीक है मैं जाता हूँ और उसे बाहर लेकर आता हूँ। ठीक है लेकिन उसके पास मत जाना। इसके बाद राक्षस बाइक लेकर डायन की झोंपड़ी में चला जाता है और उसे ललकारता है। अरे ओ डायन, क्या इन बच्चों के साथ खेल रही है? दम है तो मुझे पकड़ कर दिखा। अच्छा अब तो पहले तुझे ही पुतला बनाऊंगी। तभी राक्षस बाइक स्टार्ट करता है और तेज रफ्तार के साथ डायन की झोंपड़ी से बाहर निकल जाता है। राक्षस के पीछे डायन भी निकल जाती है। फिर जादुई हाथी डायन की चारों ओर आग का घेरा बनाता है। डायन घेरे से बाहर आने की बहुत कोशिश करती है लेकिन बाहर ही नहीं आ पाती। इतना आसान नहीं है इस जाल से बाहर निकलना। मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा है लेकिन अब बस बहुत हुआ, लोगों की जिंदगी से खेलना बंद करो। अच्छा तो तूने ही सब कुछ किया है, बंद करो ये बकवास, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इसके बाद डायन घेरा तोड़ देती है
और झोपड़ी की तरफ भागती है। तभी जादुई हाथी अपने जादू से डायन को पुतला बना देता है। मुझे लगा शायद समझ जाए, पर फिर नील झोपड़ी के अंदर जाता है और रीमा और सौरव को बाहर लेकर आता है। इसके बाद रीमा और सौरव राक्षस और जादुई हाथी को शुक्रिया कहते हैं। फिर तीनों जंगल से चले जाते हैं। सब चले गए। वैसे तुम शाम को क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, क्यों? आज शाम को मेरी रेस है। समझ गया, इस बार भी तुम्हें मेरे जादू का सहारा चाहिए। हाँ अब तो अपने पैर पर खड़े हो जाओ। काश मेरे पैर भी तुम्हारे जितने लंबे होते। इसी तरह दोनों बात करते करते जंगल के अंदर चले जाते हैं।